हेलो एवरी वन वेलकम इन आर केमिस्ट्री क्लास एंड आज हम देखेंगे जिमेट्री एंड सेप ऑफ एस थ्री मोलिक्यूल एस थ्री मोलिक्यूल का जिमेट्री सेप बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन लूज इस इस स्ट्रक्चर सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये है एसओ थ्री इसको हम क्या बोलते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड सल्फर ट्राई ऑक्साइड ठीक है ये हमारा सल्फर है ये ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन है थ्री तो हो जाएगा ट्राई एंड ऑक्साइड सबसे पहले हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फिर लुइज स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा कैसे निकालते हैं सपोज हम यहाँ पे ऑक्सीजन का निकाल के बताते हैं कितना एटॉमिक नंबर होता है एट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बनाएंगे तो वन एच टू टू एच टू एंड टू पी फोर ठीक है जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो टोटल कितना है फोर टू सिक्स तो ये क्या हो गया ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना ही होता है ठीक है निकालेंगे इसका सिक्सटीन होता है एटॉमिक नंबर जब हम निकालेंगे तो टू एस टू सॉरी टू नहीं आएगा वहाँ पे एस टू और पी फोर में आएगा ठीक है तो सिक्स उसका भी हो जाएगा तो कितना हो गया इसका सिक्स प्लस ऑक्सीजन का भी कितना होता है सिक्स या फिर ग्रुप से हम याद कर लेते हैं ना ग्रुप सिक्सटीन का ये एलिमेंट है तो इसके पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सिक्स ठीक है सिक्स कितना ऑक्सीजन है थ्री तो थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए टोटल कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है अब स्ट्रक्चर बनाइए स्ट्रक्चर में हमारा सेंट्रल आइटम क्या होगा बीच में किसको रखेंगे सल्फर को तो ये हो गया सल्फर ठीक है कितना ऑक्सीजन है थ्री कोई इस पर चार्ज है कोई चार्ज नहीं है मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा ठीक है तो ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कीजिए कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ट्वेंटी फोर मन ट्वेल्व कितना जाएगा? 12 आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा ट्वेल्व का मतलब सिक्स लोन पेयर यहाँ पे हो जाएंगे ठीक है अब देखिए ऑक्टेट सबका कंप्लीट कीजिए देखिए सल्फर के पास हमारा एट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट का मतलब क्या होता है एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व इसके पास टोटल ट्वेल्व है ठीक ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन है क्यों क्योंकि पास इसके पास ऑर्बिटल होता है थ्री डी ऑर्बिटल होता है इसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करता है इसको ऑक्टेट्स रूल इस पर फॉलो नहीं होता है इसके पास टोटल एट से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ठीक है बट ऑक्सीजन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब काउंट कर लीजिए यहाँ पे ट्वेल्व था कितना है सिक्स लोन पेयर टू फोर सिक्स सिक्स लोन पेयर हो गया एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे दो लोन पेयर है कितना इलेक्ट्रॉन है फोर इलेक्ट्रॉन है तो हो गया हमारा सिक्स लोन पेयर तो ये लूइस स्ट्रक्चर है किसका एसओ थ्री का अब निकालेंगे स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे ठीक है अब देखिए ये क्या होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स ठीक है एल पी का मतलब लोन पेयर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सल्फर की नौ की ऑक्सीजन की ठीक है तो सल्फर के पास कितना सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं देखिए जब डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है एक पाई बॉन्ड इसमें भी एक सिग्मा एक पाई यहाँ भी एक सिग्मा और एक पाई तो पाई बॉन्ड की काउंटिंग कर दी थी ये सिग्मा बॉन्ड देखना है तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है वन टू थ्री तो हो गया थ्री क्या सल्फर के पास कोई लोन पेयर है नहीं है तो हो जाएगा जीरो तो कितना आएगा थ्री तो इसके पास इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इस सल्फर का एस पी टू ठीक है अब स्टेरिंग अब हम जेमेट्री और सेप निकालेंगे देखिए स्टेरिंग नंबर थ्री स्टेरिंग नंबर थ्री का जेमेट्री एंड सेप ठीक है जेमेट्री को हम मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉन जेमेट्री बोलते हैं इसको मालिकुलर जोमेट्री बोलते हैं अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन जोमेट्री क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन जोमेट्री का मतलब बस जेमेट्री में से बोल सकते हैं एंड मॉलिकुलर जेमेट्री का मतलब सेफ हो जाएगा यहाँ पे ठीक है तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जोमेट्री मालिकुलर जोमेट्री जोमेट्री सेफ दोनों सेम है क्यों क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं रहेगा अगर यहाँ पे लोन पेयर रहता तो इसकी जीमेट्री अलग हो जाता सेप अलग हो जाता बट इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो जोमेट्री सेप दोनों एक ही आएगा वो क्या आएगा ट्राइगोनल प्लेनर अभी हम ड्रा करते हैं ट्राइगोनल प्लेनर कैसे ड्रा करेंगे हो गया हमारा सल्फर ठीक देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यही है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर अब देखिए यहां पे बात करें बॉन्ड एंगल की तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है दो बॉन्ड के बीच का एंगल इसके इसके बीच का एंगल 120, इसके इसके बीच का एंगल वो भी उतना ही होगा इसके इसके बीच का एंगल वो भी होगा 120. तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा वन डिग्री एंड हाइब्रिडाइजेशन हम क्या निकाले थे हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू तो ये था हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड के बारे में ये इसका लुइस स्ट्रक्चर geometry shape trigonal planar bond angle 120 degree and hybrid addition sp2